जैसे हमारा फेज वन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने बेसिक गेट ऑपरेशंस पढ़े थे, जो कि लोकल हमारे कंप्यूटर लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, लोकल मशीन पे कंप्लीट कर रहे हैं। अब उसके बाद थोड़े हायर कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो होते हैं फोर्किंग और क्लोनिंग, और भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ब्रांचेस, मर्जिंग, रीबेसिंग। तो अब इनमें एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स इम्पॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ओपन सोर्स में जाना है, या फिर एज अ डेवलपर ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कि बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू, लाइक तुम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो सारे जो तुम्हारे साथ के टीममेट्स होंगे वो एक ऐसी ऑनलाइन रिपोजिटरी में ही अपने कोड बेस रखेंगे, और जिससे सब कोई जो जिसके पास भी एक्सेस है वो एक्सेस करके चेंजेस कर पाए। तो उसमें फोर्किंग और क्लोनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं मीनिंग समझाता हूँ। तो सपोज़ ये सर्च बार होता है जहाँ पे हमें रिपोजिटरीज मिलती हैं, इसमें जाके तुम्हारे पास एज अ, जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि मैंने सर्च करा था, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, या तुम्हें अगर ये कोई पर्टिकुलर नेम, जैसे ये है रिपोजिटरी और उसका, सॉरी ये है अकाउंट, और ये या टीम जो भी, या फिर कंपनी का, और ये है हमारा रेपो नेम, ये अगर तुम्हें मालूम है तो तुम डायरेक्टली सर्च बार पे जाके यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज़ लिख के तुम सर्च करोगे, तो तुम्हारे पास लाइक वो तुम्हारे पास खुल जाएगा ऑनलाइन डिपॉजिटरी। तो सपोज जैसे मेरे पास GDSE की एक पब्लिक रिपॉजिटरी है, हैक्टोबर वेबसाइट नाम से। तो अब इसमें मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है, लाइक इट इज़ अ वेबसाइट, तो सपोज हम बेसिक सी वेबसाइट है, देखते हैं, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कुछ GDST है, जबकि GDSC होना चाहिए, मतलब इसमें कुछ गलतियां हैं, इश्यूज़ हैं, वी कॉल इट इश्यूज़। सपोज़ यहाँ पे GDSC स्टैंड, लाइक ये पैराग्राफ है और इसमें कुछ भी टेक्स्ट है और हमें चेंज करना है, हमारे पास कंटेंट है तो हमें वो ऐड करना है, एनी थिंग वी वॉन्ट टू। तो इसके लिए हम डायरेक्टली इस रिपॉजिटरी में चेंजेस नहीं करते, कि ऐसे तो कोई भी कर सकता है, और किसी से गलती हो जाए तो जो मेन ओरिजिनल रिपॉजिटरी वो तो खराब हो जाएगी ना, फिर उसे लाइक बैक नहीं कर सकते, देर इज़ नो वे बैक। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक कॉपी बनाते हैं, और कॉपी बना के हम भी पूरी लाइक इस पूरे रिपॉजिटरी का कॉपी बना के अपनी खुद की रिपॉजिटरी, ये हमारी रिपॉजिटरी नहीं है, ये GDSE की रिपॉजिटरी है, तो हम फोर्क करते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे फोर्किंग का ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हो फोर्किंग ऑप्शन है, यहाँ पे प्लस क्रिएट न्यू फोर्क किया, तुम्हारी अब तुम खुद की अपनी एक रिपॉजिटरी बना रहे हो अपने मतलब खुद के उसमें अकाउंट में, एंड तुम कोई भी नाम रखते हो, लेके यू हैव फ्रीडम फॉर दैट। तो मैंने रखा कि GDSC साइट, मैंने ये नाम से एक रिपॉजिटरी बना ली, एंड अपने खुद के अकाउंट पे मैंने फोक कर लिया। तो ये तुम देख सकते हो कि मेरे अकाउंट में ये मेरा नाम है, यूज़र नेम है /GDSE साइट, जो मैंने रेपो का नाम लिखा था वो रेपो बन गई है, सारा सब कुछ एक कॉपी बन गया है उस रिपोजिटरी का, और मेरे रिपोजिटरी में आ गया। अब मैं यहाँ पे खुद कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ मेरे हिसाब से, कि हाँ मुझे जो सही लगता है तो मैं कॉन्ट्रीब्यूट करके, पर उनके रिपोजिटरी में कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं फोर्किंग और क्लोनिंग में है कि लाइक सिमिलर होते हैं, क्या होता है। तो फोर्किंग का मतलब हमने समझा कि फोर्किंग मतलब कि किसी दूसरे रिपॉजिटरी से हमने फोक किया, फोक करके उसकी रिपॉजिटरी के कॉपी बना के अपनी रिपॉजिटरी में लिया,
तो ये सब ऑनलाइन गिटहब की वेबसाइट पे हो रहा है। दिस इज ऑल अबाउट फोर्किंग कि हमने दूसरे की रिपोजिटरी से फोर्क करा और कॉपी बनाया और अपनी रिपोजिटरी में सिमिलर कॉपी, जस्ट अ कॉपी, लाइक ओरिजिनल और एक कॉपी बन गया जो हमारी रिपोजिटरी में आ गई। नाउ क्लोनिंग यहाँ फोर्किंग से कैसे डिफरेंट होती है? फोर्किंग्स के बाद क्लोन होता है, तो क्लोन, अब हमें फोर्क के बाद क्लोन करना है। अब हम कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है, तो अब हम ये हमारी जो रिपोजिटरी है हमारे खुद के यूज अकाउंट में, उसे हम अपनी लोकल मशीन में क्लोन करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तो चेंजेस कर नहीं सकते ऑब्वियसली। इसके अंदर हमें प्रॉपर अपनी लोकल मशीन में जाके सपोज फाइल्स हैं तो उसे बार बार चेक भी करना पड़ेगा, तो वो हमें लोकल मशीन में करेंगे ना, लाइक यहाँ पे नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ एज अ स्टोरेज है। तो अब यहाँ पे हमें अपने जो रिपोजिटरी खुद की उसको क्लोन करके अपनी लोकल मशीन में लेना है, एंड दिस इज ऑल लाइक हम अब इसका कॉपी करके अपनी लोकल मशीन में ले रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। फोर्किंग में ये होता है कि टर्मिनल के थ्रू हम फोर्क नहीं कर सकते, लेकिन क्लोनिंग हम टर्मिनल के थ्रू, लाइक गिट बैश या कोई भी टर्मिनल तुम अगर यूज करो, कमांड प्रॉम्प्ट यूज करो, हम उसके थ्रू क्लोनिंग कर सकते हैं, लेकिन फोर्किंग हम सिर्फ गिटहब के इंटरफेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फोर्क कर लिया था GDSC की वेबसाइट को, मुझे चेंजेस दिख रहे थे उसमें, उसमें कुछ इश्यूज थे। अब मैं यहाँ पे व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट इज क्लोनिंग। तो सब यहाँ ये ग्रीन जो मैंने जैसे बताया था, जो हमने फेज 1 में भी पहले जब हम सीख रहे थे तो उसमें यूज़ किया था, तो ये लिंक दिख रही है, यूनिक लिंक, ऑथेंटिकेशन लिंक कनेक्शन के लिए। HTTPS यूज़ करना है, SSH या ये नहीं। इसे कॉपी किया, नेक्स्ट हम अपने गिट टर्मिनल पे गए। नाउ इट इज ऑल अ मेस, तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कमांड से सारा कमांड जो भी हमारा है सारा क्लियर हो जाता है। सो अब यहाँ पे अगर एक बार पाथ चेक कर लेना, ऑल दो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम्हें कहाँ पे फाइल स्टोर करानी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा डेस्कटॉप पे स्टोर हो मेरी रिपोजिटरी, तो मेरा अभी गेट डेस्कटॉप को ही पॉइंट कर रहा है, राइट। अब द कमांड विच आई हैव टू राइट, क्योंकि मुझे क्लोन करना है, तो इसके लिए होती है गेट क्लोन, और जो हमने URL HTTPS URL कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट होता है। कॉपी किया, एंड ऑल यू कैन ऑल्सो यूज शिफ्ट प्लस इंसर्ट, तो हमारे पास ये URL आ गया, और नहीं तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एंटर किया, तो हमारे ये क्लोन हो गई। नाउ यू विल सी कि एक यहाँ पे किस नाम से था, GDSC साइट नाम से हमने रिपोजिटरी बनाई थी, यहाँ पे ये रिपोजिटरी बन गई है डेस्कटॉप पे, राइट। तो हम रिपोजिटरी इसके अंदर खोलते हैं, ये सारी फाइल्स हैं जो जो यूज़ हुई हैं, जैसे ये सब फोटोज़ देखी हुई, ये सारी चीज़ें, ये HTML फाइल है, ये CSS फाइल है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, तो इसमें मुझे दिख रहा है कि यार ये HTML फाइल है, वेबसाइट है ये, एंड इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो मुझे इसे, मुझे मालूम इश्यूज़ है, मुझे मालूम है, मुझे लैंग्वेज आती है, मुझे मालूम है इसे कैसे रिजॉल्व करना है। तो मैंने देख लिया, तो मैं इसके कोड बेस पे गया, तो कोड बेस पे इसे राइट क्लिक किया, वेट इसको, एप्लीकेशन
वापस से खोलते हैं फोल्डर को, तो राइट क्लिक किया, अब राइट क्लिक करके ओपन विद में ऑप्शंस होंगे, तो तुम्हारे पास कोई भी आईडी हो तो तुम उस पर खोल सकते हो, जैसे विजुअल स्टूडियो को या फिर कोड प्लस, बहुत सारी चीज टर्मिनल्स होते हैं उस पर तुम खोल सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो कोड पे हमने ये देखा कि हमारा कोड बेस खुल गया, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे किसी लैंग्वेज आती होगी, तो सपोज मुझे यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट में गड़बड़ी है, GDST लिखा है, तो मैंने इसे सी कर दिया। सपोज मुझे कुछ कंटेंट ऐड करना है, तो यहाँ पे रैंडम कंटेंट दिया है तो मैंने उसे हटा दिया। कुछ भी चेंजेस, और तुम्हारे लाइक फाइल्स में कलर तुम्हें चेंज करना है, तुम को पसंद नहीं आ रहा है, या जैसा कॉन्ट्रिक लाइक जो जैसा मेन जो जिसका जिसको तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो जैसा वो चाहता है वैसा तुम करके फाइल को सेव किया, क्लोज किया। नाउ यू विल सी, तो तुमने GDSC सही कर लिया जो ST लिखा हुआ था, और तुमने वो रैंडम टेक्स्ट हटा दिया। ओके एंड यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये मैंने चेंजेस कर दिए, ये इश्यूज थे सारे क्लियर हो गए। क्लोज दैट। अब हम वापस अपने टर्मिनल पे आते हैं। अब क्योंकि क्लोन हो गया था तो हमें अभी उसको पॉइंट आउट भी तो कराना, तो CD हमने लिखा और GDSC साइट को पॉइंट आउट आया। इसमें जैसा हमने फेज वन में सीखा था कि गिट ऑपरेशंस लगाने के लिए हमें गिट इनिट कमांड डालनी पड़ती है, तो हमने इसमें गिट इनिट कमांड डाल दी। देन गिट इनिट कमांड के बाद हमें हमने सीखा था कि हमें गिट अब सबसे पहले कनेक्शन बिठाना है हमारी रिपोजिटरी से, राइट? तो हमने जैसे फेज वन में सीखा था कि फर्स्ट वी नीड टू सेट अप अ कनेक्शन बिफोर एडिंग और कमिटिंग एनीथिंग हमारी लोकल स्टोरेज में, क्योंकि हम पहले कनेक्शन बिठा के फेच और पुल करते हैं ताकि हमारे लोकल मशीन को ये पता चल जाए कि हमारे ऑनलाइन रिपोजिटरी में अगर किसी और ने भी कंट्रीब्यूट किया या कुछ चेंजेस हुए हैं जो दूसरे कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वो हमें हमारे लोकल मशीन और गिट को पता पड़ जाए कि हाँ ये चेंजेस हुए, ताकि बाद में पुश करते समय एरर नहीं है। तो हमने किया गिट रिमोट ऐड और रेपो नेम GDSC साइट, और हमारा रेपो नेम था GDSC साइट, ओके। और URL जो हमने पहले कॉपी कर रखा है यही HTTPS URL है, ये वापस से कॉपी कर लिया और यहाँ पे शिफ्ट पर इंसर्ट कर दिया। तो हमारे इसमें कनेक्शन सेटअप हो चुका है, राइट? अब इसके बाद चेक कर सकते हो कि गेट रिमोट डैश वी से चेक कर सकते हो कनेक्शन प्रॉपर सेटअप हुआ कि नहीं, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अगेन वही जो हमने फेज वन में सीखा था, गेट वही सारे ऑपरेशन एज इन कि हमारे लोकल मशीन पे जो फाइल्स हैं उन्हें हमें पुश करना है, गिट फेच डबल डैश ऑन, तो इससे हमारे सारी फेच हो जाएंगी जो जो चीज़ें हैं। एंड इसके बाद हमने गिट पुल कर, गिट पुल में कैसे हम कमांड करते थे, गिट पुल GDSC जो हमारी रिपो का नेम है और मेन, या मतलब क्योंकि यहाँ पे एक ही ब्रांच है मेन, तो हम उसी इसको पुल कर रहे हैं, पुल करा, ओके ऑलरेडी अप टू डेट, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट टाइम जो हम फेज वन में देख रहे थे यहाँ पे मास्टर आ रहा था, बट यहाँ पे मेन है, तो आई गेस वी डोंट नीड टू राइट द कमांड गेट चेकआउट,
क्योंकि वो ऑलरेडी मेन के अंदर है, राइट। नाउ हम इसके बाद गेट ऐड कॉल करते हैं, हमारे जी डी एस सी साइट को रेफर कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर की फाइल्स को हम जो भी चेंजेस है तो हम गेट को बता रहे हैं कि ट्रैक कर लें। गेट ट्रैक करने लग गया, कमिट करा हमने विद अ मैसेज कि एंडेड HTML फाइल, ठीक है, ओके, कमिट किया सक्सेसफुल। देन द लास्ट थिंग, सारी चीज़ें हो गई, एंड द लास्ट थिंग है कि अब हमारे जो फाइल है उसे पुश करते हैं, वी राइट आगे ये पुश। नाउ एज आई टोल्ड अर्लियर इन फेज वन कि पहले हम गेट पुश यूज़ करते हैं, अगर वो कोई एरर देता है देन वी विल यूज़ दी सेकेंड कमांड जो कि गेट पुश डैश डैश सेटअप स्ट्रीम वाली। तो क्योंकि हमारा कनेक्शन सेटअप है तो आई डोंट थिंक सो एरर देना चाहिए, सक्सेसफुल। तो हमने इसे रीलोड करते हैं ताकि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो यहाँ पे। सो यहाँ पे देख सकते हो कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए हैं, यहाँ पे जो मैंने पेंडेड HTML फाइल है वो ये कमिट आ गया है, यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि अमित लाइक माय यूजर ने अपेंडेड HTML फाइल अ मिनट अगो, राइट। नाउ अब हमारी खुद के यूजर नेम में जो हमारे अकाउंट में ऑनलाइन रिपोजिटरी थी उसमें हमारे लोकल्स में जो हमने चेंजेस किए थे वो तो आ गए, पर अब हमें कंट्रीब्यूट करना, हमें तो मेन तो जो जिस जो रिपोजिटरी मेन जो ओन करते जहाँ से हमने फोक किया था उसे कंट्रीब्यूट करना है, उसे बताने कि हमने ये चेंजेस किया और आप अपनी रिपोजिटरी में उसे मर्ज कर। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट ये देख सकते हो ऑप्शन होगा इस पे गए और हमें एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जो कमेंट मैसेज है वो आएगा, ऑल दो इसको तुम चेंज भी कर सकते हो और कुछ कमेंट्स डालना है कि तुमने क्या किया क्या, लाइक पूरा डिस्क्रिप्शन में बताते हुए वो भी है तुम कर सकते हो। और उसके बाद नाउ वी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। अब क्रिएट रिक्वेस्ट के बाद इट्स ऑल अप टू द कॉन्ट्रीब्यूटर और जिसके पास उस रिपोजिटरी मेन रिपोजिटरी जहाँ से तुमने फोक किया था उसके पास एक्सेस है। नाउ इट्स ऑल अप टू देम कि वो देखेंगे तुमने क्या चेंजेस किए हैं और इज इट वैलिड, क्या उन्हें वो चाहिए। तो ये तुमने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके तुमने उन्हें दे दी है, लाइक उन्हें रिक्वेस्ट कर लिया, नाउ दे विल चेक। बट एज आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर इन द जी डी एस सी सो आई हैव एक्सेस टू दिस रिपोजिटरी, तो क्योंकि मैंने फोक करा और मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करी सो आई कैन सी कि मैंने यहाँ पे एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है अपेंडेड HTML फाइल, डिस्क्रिप्शन लाइक मैंने नहीं लिखा था तुम लिख सकते हो आज, और यहाँ पे फाइल्स चेंज्ड ऑप्शन भी आता है कि क्या क्या फाइल्स में चेंज हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो जैसे मैंने यहाँ पे GDST को GDAC, तुम यू कैन सी द कंपैरिजंस, यहाँ पे जो रैंडम मैसेज था वो भी मैंने हटा दिया है, एंड कमिट्स चेक्स सारी चीज़ें हैं, कमिट्स हैं जो मैंने अभी किए, कब किया मैंने, कितनी देर पहले किया, इट इज़ ऑल बी रिफ्लेक्टेड हियर। अब क्योंकि मेरे पास लाइक आई हैव एक्सेस टू इट तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ तुमने क्या क्या चेंजेस किए, और मुझे अगर ये सही लगे बिकॉज आई हैव एक्सेस टू दिस मेन रिपॉजिटरी बिकॉज आई एम अ कॉन्ट्रीब्यूटर, तो मुझे लगता है कि तुम्हारे चेंजेस सही हैं, जैसे मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किए मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे सही है,
तो मैं मर्ज करता हूँ और कंफर्म मर्ज, ये यहाँ पे दिखा देगा दी वट एवर यू हैव रिक्वेस्टेड दी पुल रिक्वेस्ट इट हैज बीन मर्ज्ड। तो अब मैं अगर कोड पे जाऊँ यहाँ पे, सो यू कैन सी कि index.html में मेरा जो कमेंट मैसेज था वो आ चुका है। मैं इसे खोल के भी देखता हूँ, जो मैंने gdst था वो gdsc बन गया है here. और यहाँ पे भी जो रैंडम मैसेज लिखा हुआ था वो मैंने हटा दिया। तो मतलब यहाँ पे वो मेन रिपोजिटरी में जो है उसे पसंद आया एंड ही हैज मर्ज्ड, तो तुम्हारे जो तुम्हारे तुमने चेंजेस किए थे वो मेन रिपोजिटरी में आ गए। That's all up to the contributor and who is managing the repository. तो like ये basic होता है open source का, and और बहुत सारे deep concepts होते हैं merging, branching, merging like short crisp में समझाऊँ तो as I said कि branches एक repository में अलग अलग branches हो सकती है। तो suppose एक repository के बहुत सारे contributors हैं, तो सब एक ही ब्रांच में अगर चेंजेस कर दें या एक एक ही ब्रांच में सब अलग अलग कोड बेस डाल दें तो इट विल क्रिएट अ मेस। तो उसे प्रॉपरली मैनेज करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस बनती है और लोग लाइक किसी भी नाम से, ज़रूरी नहीं मेन या मास्टर ब्रांच ही हो, किसी भी नाम से अलग अलग ब्रांचेस बना सकते हैं एंड उन ब्रांचेस को बाद में तो जिसके पास मेन रिपोजिटरी का एक्सेस होता है वो मर्ज कर सकता है। एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सो वी विल प्रोवाइड यू दी रिसोर्स एंड लिंक्स एंड ऑल्सो ये तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए। बट जितना भी अभी तक पढ़ाया है दिस इज सफिशिएंट एंड या दिस इज मेन लाइक दिस इज अ बेस फॉर ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद लाइक इट्स ऑल अप टू योर इंटरेस्ट कि तुम और डीप में जाके पढ़ो और इंटरफेस को समझो, तो इट्स ऑल अप टू यू। सो या दिस वाज ऑल। वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, एक्चुअली ये हमने गेट सेशन जो मेन रखा था वो इसलिए रखा था कि बिकॉज द हैक्टोबर फेस्ट इज कमिंग, तो आई विल गिव यू लिटिल डिटेल्स अबाउट इट। हैक्टोबरफेस्ट 2022 डालोगे तो फर्स्ट जो लिंक होगी क्लिक करो एंड यू विल सी द वेबसाइट है। तो हैक्टोबरफेस्ट एक्चुअली लाइक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का लाइक फेस्टिवल, यू कैन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आर देयर जहाँ पे वो पब्लिक करते हैं अपनी रिपोजिटरीज को एंड दे वॉन्ट सम चेंजेस फ्रॉम पीपल एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड एक्सपीरियंस एंड ग्रो। और एक्चुअली इसमें कूल स्वैग्स भी हैं, लाइक गिफ्ट्स हैं जो तुम्हें मिलते हैं, सो यू कैन सी प्रेजेंटेड बाय डिजिटल ओशन डॉक्टर। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं और पूरा मंथ चलता है, आई गेस 3rd से 25th तक चलेगा एंड देर आर डिफरेंट इवेंट्स, डिटेल में जाकर तुम सबको देख सकते हो। 27 तक लास्ट आई गेस। सो ये इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो एंड दी लाइक जो मैंने स्पैक्स की बताई थी कि लोग उसमें टी शर्ट्स और वो मिलते, तो उसमें कंडीशन होती है कि तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो बट यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 4 पुल रिक्वेस्ट, जो पुल रिक्वेस्ट हमने बताई थी कि किसी की रिपोजिटरी को लाइक चेंजेस करके अपने रिपोजिटरी में पुश करके लोकल मशीन से एंड देन यू हैव टू क्रिएट पुल रिक्वेस्ट टू मर्ज सो दैट द मेन पर्सन हु इज मैनेजिंग वो मर्ज कर सके। तो यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट 4 पुल रिक्वेस्ट टू अर्न दीज कूल स्वैग्स। सो रजिस्ट्रेशन तुम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का, थ्राइज विद गिटहब, सो इनिशिएट, so it will automatically
डिटेक्ट योर यूजर नेम लाइक अकाउंट, इट विल आस्क यू कि हम ऑथराइज हैव टू गो फर्स्ट करें. सो इट इज लोडिंग. सो इसने और जो तुम्हारी गिटहब के थ्रू डिटेल्स मिल गया लाइक हियर यू कैन फिल द फॉर्म, हाउ विल यू बी पार्टिसिपेटिंग, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस लेवल एंड लाइक ये सारी चीज़ें फिल करके यू कैन रजिस्टर एंड दिस इज हाउ योर रजिस्ट्रेशन इज डन. और फिर जब से इवेंट चालू होगा देन यू कैन चेक कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ. So for you guys, it's a great opportunity. You can register. You should do it. I know you are maybe from first year. You may be a new learner who have just started. But this is how everyone starts. Or this is a great thing. You should experience it because it will pave a way for your developers, your open source contributor journey. So yeah, that's all for. This session, guys. I hope you like and you understood everything. And also, tumhare paas tumhe koi bhi doubt ho, so anytime you can, you are all in the WhatsApp group of GDSC. You can ask, and any member from GDSC will obviously resolve your doubt. Okay, so thank you. Signing off.